हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय शर्मा। और लास्ट टाइम हमने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चंस भी करा था रेजिस्टेंस के बारे में। अब की जो टॉपिक है वो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पर है। तो दो टाइप के कॉम्बिनेशंस होती हैं रेजिस्टर्स की, एक को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं और दूसरे को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप सर्किट पे ध्यान देते हैं तो आपको तीन रेजिस्टर्स दिखाई दे रहा है, R1, R2 एंड R3। और इन तीनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा गया है और यहाँ पर एक बैटरी से इनको कनेक्ट किया गया है जो इसको पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज प्रोवाइडिंग +V वोल्ट हेयर एंड 0 वोल्ट देयर। सो द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्मिनल्स इज वी। और एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि ये जो बैटरी है वो करंट जो दे रहा है दैट इज आई। तो आई यहाँ पे करंट है, पोटेंशियल यहाँ पर आपका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वी है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर वी है। और तीन रजिस्टर्स को R1, R2 और R3 माना गया। तो सबसे पहला कंसेप्ट क्या है कि हेयर करंट इज सेम इन ऑल थ्री रेजिस्टर्स। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे तीनों में ऐसा क्या होता है कि जो करंट इस R1 रेजिस्टर्स को भी आई करंट मिला, R2 को भी आई मिला, R3 को भी आई मिला, इसके पीछे क्या रीज़न है ना, अगर इसको हमको समझना है तो हमें एक पाइप एनालॉजी समझनी पड़ेगी, एक ट्यूब ट्यूब का एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेके चलो, अगर मान लेते हैं कि इस इधर पानी अगर हम देते हैं एक पाइप के एंड से, एक ट्यूब के एंड से, तो जिस स्पीड से इधर से पानी एंटर करता है दूसरे एंड में उसी स्पीड से पानी बाहर निकलता है। अगर ऐसा नहीं होता है, मान के चलो कि V1 का स्पीड स्लो है, इस एंड का मान लो V2 वेलोसिटी है, तो एक्चुअली ये V2 है। तो अगर मान लो कि अगर V1 और V2 अगर सेम है, वैसे नॉर्मली V1 एंड V2 सेम होती है, अगर बाई चांस अगर V1 और V2 डिफरेंट होता तो यहाँ पे पानी का एक्यूमुलेशन हो जाता। अगर V2 कम होता तो पानी एक्यूमुलेट करके पाइप ब्रस्ट कर जाता, जो कि ये नॉर्मल केस नहीं है। इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जिस स्पीड से इधर पानी गया निकलेगा वही स्पीड से। वही यार यहाँ पर है, यहाँ आप जितना करंट दिए हो अगर बाई चांस अगर ये करंट कुछ यूज करता तो यहाँ पे चार्ज की डिपोजिशन हो जाती, चार्ज की डिपोजिशन हो जाती, जो कि नॉर्मल केस नहीं है। यहाँ भी कुछ चार्ज डिपोजिट होती है, यहाँ भी कुछ चार्ज डिपोजिट होती है, यहाँ भी कुछ डिपोजिट होती है, और बाहर निकलते टाइम आई आई नहीं रह जाता। तो सिंस आई आई इसलिए रह जाता है क्योंकि R1, R2, R3 में कोई चार्ज डिपोजिशन नहीं होता, इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो होता है हर एक रेजिस्टर्स को सेम मिलता है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, हेयर करंट इज सेम इन ऑल थ्री रेजिस्टर्स। इफ सेम करंट इज नॉट विदड्रॉन देन देयर इज चार्ज एक्युमुलेशन इन द रेजिस्टर व्हिच इज नॉट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे अगर करंट अगर सेम है तीनों रेजिस्टर्स में तो हम ये लिख सकते हैं, जब अगर करंट सेम है तो जाहिर सी बात है कि पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग होगा, क्योंकि आपने पोटेंशियल ड्रॉप आपने एक एंड पे +V वोल्ट दिया है, दूसरे एंड पे 0 वोल्ट दिया है, तो R1 कुछ पोटेंशियल उसमें से ले लेगा, कुछ ड्रॉप हो जाएगी पोटेंशियल, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे। तो कुल मिला के टोटल ड्रॉप इज इक्वल टू सप्लाइड पोटेंशियल के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि वी टोटल, यानी कि टोटल वी इज इक्वल टू V1 +V2 +V3। V1 इज फॉर R1, V2 इज फॉर R2 एंड V3 इज फॉर R3। तो यहाँ पर अब हम एक ऐसा सर्किट डिजाइन करते हैं कि ये तीनों अगर रेजिस्टर्स का काम अगर एक ही रेजिस्टर कर दे तो उसको हम मान लेते हैं आर इक्विवेलेंट, और उसको मान लो आई करंट दी और उसको पोटेंशियल डिफरेंस उसका वी है। तो हम इसके लिए हम लिख सकते हैं कि आर के लिए यहाँ पे आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और करंट यहाँ पे आई है, तो सिंस तीनों में भी करंट सेम है तो IR1 +IR2 +IR3, क्योंकि वी इज इक्वल टू IR होता है, वी इज इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ से I कॉमन ले लिया गया और R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 +R2 +R3, R1 +R2 +R3 होता है यहाँ पे R इक्विवेलेंट की वैल्यू।
यही चीज अगर हम, ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, अगर आप बहुत डिफरेंट डिफरेंट रजिस्टर्स अगर आप जोड़ देते हैं तो इनका इक्विवेलेंट निकालते हैं सिंपल एडिशन। नेक्स्ट कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंस R1, R2 और R3 तीनों के तीनों रजिस्टर्स एक ही पॉइंट से जुड़े हुए, मीन्स R1 भी एक ही पॉइंट से जुड़ा हुआ है दोनों साइड, जहाँ पे एक पॉइंट का पोटेंशियल प्लस V है और दूसरे एंड का है जीरो। मतलब आप कह सकते हैं कि R1 जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अपना स्पेसिफिक होगा, मतलब R1 में भी सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि वो एक ही वायर से कनेक्टेड है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। R2 में भी जिन दो एंड से R2 कनेक्टेड है उनका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। R3 जहाँ से कनेक्टेड है उनका भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इससे हम कह सकते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में V होता है वो कॉन्स्टेंट होता है। तो अगर V कॉन्स्टेंट होता है तो वेरिएबल क्या होगा, I वेरिएबल होगा, करंट वेरी कर जाता है यहाँ। नेक्स्ट आप बात करते हैं, जब यहाँ पे करंट I1, I2, I3 लिया गया, I1 करंट R1 को मिला, I2 करंट R2 को मिला और I3 करंट R3 को मिला, तो जब तीनों रजिस्टर्स आपके पैरेलल में होते हैं तो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो I जो बैटरी से जो निकलता है I करंट वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है I1, I2 एंड I3 में। तो इससे हम एक कंसेप्ट लिख सकते हैं, दैट इज I इज इक्वल टू, हम ओम्स लॉ का इक्वेशन यहाँ यूज़ करेंगे, यहाँ भी वही काम हम करते हैं, यहाँ भी हम वही काम करते हैं। एक ऐसा रजिस्टर लगाते हैं जो कि इन तीनों के पैरेलली जो रेजिस्टेंस काम कर रहा है ना वो इकलौता एक ही रजिस्टर कर दे, तो ये हम करेंगे। तो इससे आई के जगह हम क्या लिख सकते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ, वी बाय आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये इन तीनों का रजिस्टर का मिलकर इकलौता यही काम कर रहा है। तो वी बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वी बाय आर वन आई वन के लिए, वी बाय आर टू बाय वी बाय आर थ्री। तो यहाँ से वी 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 कॉमन चला गया और वो कट जाता है और फाइनली वन बाय आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस आर वन बाय आर थ्री। तो हमें यहाँ दो ही चीज़ यहाँ पे याद करने की चीज़ है कि सीरीज में करंट सेम होता है एंड पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। एक लाइन और है, सिंस R1, R2, R3 आर कनेक्टेड थ्रू सेम पॉइंट दैट्स वाई होल पोटेंशियल इज ड्रॉप्ड एट सिंगल रजिस्टर। इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों एक ही पॉइंट से जुड़े हुए हैं जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस फिक्स है, तो R1 में भी इसीलिए वी ड्रॉप होगा, R2 में भी वी ड्रॉप होगा, R3 में भी वी ड्रॉप होगा, तो ये रीजन है। सो दिस फिनिशेस द एंटायर डेरिवेशन एंड कंसेप्ट ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। थैंक यू।